बोले एक काम कर ले, चेले ने मेरा पाट गया, गलत बात होगी, बाबा जी ने सारी बातें मेरा लग गया, माफी मांग के बाबा जी से, और वो चेले वापिस कुटिया में चले जाते हैं। और उधर से सुकन्या को बुलाया कि एक काम कर, पानी ले, पानी महाराज के करोगे, बोले हवन करांगे शुद्ध जल चाहिए, आड़े ते पानी का जकरा, और उधर देवलोक में चर्चा चलती है जहां सभी देवता बैठे हुए, और नू कब मृत लोक में कैसी सती है जिसका सत कोई तोड़ नहीं सकता। इतनी बात सुनकर उस सभा में देवताओं के वैद्य डॉक्टर, जब देवता के टूट फूट हो जाया करते ना असुरों के साथ लड़ाई में, तो ठीक कराया करते उनने, उनका नाम था अश्विनी कुमार, दो अश्विनी कुमार थे वो, जिसमें था एक का असली नाम था नासत्य और दूसरे का असली नाम था दसत्तर। मैं महाराज कुछ बोलने की इजाजत से मारी, मैं बोलो भाई थम भी, मैं महाराज सत तोड़ दिया, फिर बोला फिर के तुम चाहोगे वो होगा, मैं महाराज इजाजत दो मृत लोक में जावांगे, और जिस सुकन्या सती का थम जकरा करो सो ना सत तोड़ के आवांगे। इधर से तो वो सुकन्या नर्मदा नदी के किनारे पर जल लेने के लिए चली जाती, और उधर से दोनों राजकुमार का भेष धारण करते अश्विनी कुमार और परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। और जब उसने जारी डबोई जल में, बोले कौन है तू, कड़त आई सर, सुकन्या ने मुड़ के देखा बहुत सुंदर छेले राजकुमार, गौर करना लोगो कि थमने के मतलब मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, बावड़ी कड़ रहे आगरे, गौर करियो लोगो दम काटती है, और नूबिका सब बोले मेरे ऊपर की शुद्धि को एक होने, और मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां रहती हूं, और किसके ब्याह हूं, कौन मेरा पति, कौन मेरा ससुरा, कौन मेरा बाप, एक के वजन में चाड़ा कर रखा कभी नहीं। उन अश्विनी कुमारों को धमकाती है और के कण लगी क्या जाने वाले बना दे। पांच मिनट हलवाई जी देखिए, हलवाई नायर कढ़ाई बिना व्यास से कोने, मैं जोरदार तारे हलवाई जी के लिए आप लगाए, ये तो बहुत शुभ काम में आते हैं, बार बार धन्यवाद भाई, रोड़ा घाट करियो साधी बोली बताओ है, और आगे देखो के बताओगी पड़ोता ही पहुंच जाएगी, क्योंकि पतिव्रता नारी के गुण होते हैं गैर मर्द ने देखे भी को ना, थानू को मारी गई चाल मैं तो नू जानू सू, कड़ारी है कौन सा रेस्टोरेंट में रुक रही है, गौर करियो ना अश्विनी कुमार राजकुमार के रूप में क्यों सुतरे लागे चाहिए चलो गए, कड़ारी से जंगल बियाबान में, जंगल बिया
नहीं मेरा पति बडेरा टहल दिन रात करूं, साधु संत की सेवा तो मैं जोड़ के न हाथ करूं, थारे किसे लफंगिया ते मैं बिल्कुल नहीं बात करूं, थारे किसे लफंगिया ते मैं बिल्कुल नहीं बात करूं। फाल तू निकम्मे करते हंड से बतेरे चोर, किसे का एतबार करया ना आलिए बतेरे और डर लगे भयानक दिखे जंगल में अंधेरा बो, डर लगे भयानक दिखे जंगल में अंधेरा बो। मैं कैरी थम ना आखिर सुन, मैं कैरी थम ना आखिर सुन, हर ईब तलक ना आई जब सर्प का पानी चला जागर, जब सर्प का पानी चला जागर। हमारे हरियाणा में कहावत है, अरे कौन सी है, लतेरती आखिरी बस समझा दिया है सनाया क्या करा ना, वही बात सुकन्या कहती है। मेरे बहुत आदरणीय सरपंच साहब कृष्ण ओके जी, 500 रुपये से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। और राजात्री जी एक बार जोरदार तालियां लगाएं, 500 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। इस रंग पति है फिर तो सारा रंगीला हो जाए, चिंता ना करो तुम। वो हनुमान जी ने माता सीता को एक चुटकी संदूर लगाते देख लिया कि मायो के काम मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, था क्या ठाड़ सारा है उजली अनुलाइब, सारा रंगीला हो गया हनुमान जी। वह बात हो जाएगी, बार बार धन्यवाद। कि मैं कह रही थमना आखिर सू हरे ईब तलक ना आई, अश्विनी कुमार को नहीं मारा एक दूसरे नंबर के को नहीं आई। हे रब बात मेरी या ध्यान में जंगल भी का नाम था चमन ऋषि। चमन ऋषि क्यों धरया, चवन होके है, जिस टाइम गर्भवती थी ना भृगु ऋषि की घराड़ी, जिसका नाम था पोलमा, पोलमा। आज जिस टाइम गर्भवती थी भृगु ऋषि कहीं बाहर चले जाते हैं और पीछे तक पुलोमन नाम का राक्षस उठा ले जाता है, और जब उस राक्षस ने गर्भवती के साथ में जबरदस्ती करी वो गर्भ गिर जाता है, और जब जमीन पर गर्भ गिरा, जमीन पर गिरे हुए को चवन कहते हैं, चवन और गणा, इसलिए उस गर्भ का नाम चमन रखा गया था। ऋषि की औलाद था भृगु ऋषि की, इसलिए चमन ऋषि कहा गया। गर्भ धरती पर गिरते ही उसके तप से वो राक्षस भस्म हो गया, और वह ठा के पोलमा कुटिया में ले आई, उड़े पाड़ा पोसा और चमन ऋषि कहलाया। मेरी बात सुनो, मैं छोटी बड्डी नहीं, मेरे सुसरे का नाम सुनोगे तो चाला हो जाएगा। हमने बेरा में किसका ब्याह रखी हूं, और घना प्रणाली किसकी प्रणाली क्या कहती है, भृगु जी के साथ बेटे बोल माथी जिनकी नार, दाता विधाता मरकंडू चवन
कवि और शुक्राचार्य, मेरा औरंग ऋषि के बेटे हो गए ऋचक ऋषि आज्ञाकार, औरंग ऋषि के बेटे हो गए ऋचक ऋषि आज्ञाकार। एक राजा पादी की बेटी सत्यवती जिसका नाम ऋचक ऋषि ब्याह के लाए, जमदग्नी गए थे जाम, जमदग्नी के पांच बेटे सबके छोटे परशुराम, जमदग्नी के पांच बेटे सबके छोटे परशुराम। के मान रहे हो, इसी को मान रहे हो जिसने सहस्त्र बाहु अर्जुन का शर तार दिया था, कौन सुमे? अरे मैं वाहे शमशीर सू, अरे मैं वाहे शमशीर सहसन अर्जुन ते हुई लड़ाई, रुका पड़िया जहान में जंगल भी आबान, गलिया ये चोबारा यहाँ आना ना दोबारा, गलिया ये चोबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो गए परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तेरा यहाँ कोई नहीं, मैं किस प्रणाली तसूं के भरगू जी के सात बेटे, भरगू जी के तीन घराली थी, एक तो ख्याति जो कर्दम ऋषि और देवती की लड़की थी, और एक रणाकश्यप राक्षस की लड़की जिसका नाम था दिव्या, जिसकी कोख से शुक्राचार्य पैदा हुए थे, वो भी भरगू के लड़के थे, और एक ये पोलमा जिसे दाता विदाता ये सब पैदा हुए, के सात बेटे भरगू जी के पोलमा थी, जिनकी नार दाता विधाता मरकंडू चमन कवि शुक्राचार्य और औरव ऋषि के बेटे हो गए ऋचक ऋषि आज्ञाकार। और कौन सा मेरा ससुरा, कौन सा मेरा पति, के एक राजा गादी की बेटी सत्यवती जिसका नाम ऋचक ऋषि ब्याह के ले आया, जमदग्नि गए थे जाम, जमदग्नि के पांच बेटे सब तक छोटे परशुराम, मैं वाए शमशीर हूं शस्त्र बाहु अर्जुन तो हुई थी लड़ाई, कर्णपति की टहल आई, और सुन लो गौर करियो लोगो, सारी कली एक तरफ और या तीसरी कली एक तरफ, पड़े की प्रणाली थी क्या? मरीची थे ब्रह्मा के बेटे, मरीची थे ब्रह्मा के बेटे पढ़े लिखे भी देवान, मरीची का बेटा कश्यप हो गया जिसका बेटा सूर्य नारायण, सूर्य का बेटा मनु होया वो सरयाती जिसकी संता, सूर्य का बेटा मनु होया सरयाती जिसकी संता, मेरे ससुरे भरगू जी ने संगीता बना रखी, अरे भरगू पुत्र चमन ने कोई बात ना छुपा रखी, मैं सरयाती की बेटी सू उस चमन ऋषि का प्यार रखे, एक बार कवि के लिए जोरदार तालियां रखो, देखना कितना बड़ा उदाहरण सोचने की बात है, तालाब से पानी अलग नहीं हो सकता, और जब पानी नहीं हो फिर तालाब भी नहीं है, कितना बढ़िया उदाहरण लगाया कि थमनू को उस बाबा जी ने छोड़ देर मारी गिला चाल,
सपना में भी कोनी सोचूं, क्यों के वो सर्वर मनीर सू, वो सर्वर मनीर सू, वो सर्वर मनीर सू, मां बाप न पले लाई, सोचूं सू भगवान मैं चंद्र भी अपना श्री स्वर्गीय सूरज भान जी 200 रुपए से मान सम्मान देते हैं। गणेश जी का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सजनों ये मरीची थे ब्रह्मा के बेटे, पढ़े लिखे विद्वान। मरीची का बेटा कश्यप हो गया, जिसका बेटा सूर्य नारायण। एवं सूर्य भी 12 हुए लोगों, 12 आदित्य कहा जाता है। वो सूर्य कौन सा था जो कश्यप ऋषि का बेटा था? उस सूर्य का नाम था विवेश्वमान सूर्य, जिसका शंकर भगवान ने सर तारा था। और शंकर भगवान के सर तारते ही कश्यप ऋषि ने श्राप दिया शंकर भगवान को कि तुमने मेरे बेटे का सर तारा है, एक समय ऐसा आएगा तू अपने बेटे का सर तारा। लोग नू का जबला गणेश रुखाड़ा बैठा दिया, हर माता स्नान करती शंकर भगवान भीतर बढ़ना चाहो था, गणेश ने रोक दिया, सर तार दिया। ऐसा नहीं, ये दंड था, श्राप था शंकर भगवान को कश्यप ऋषि का। इसलिए बता कि आखिरी कली में मैं कौन हूं, क्या कहती मान संग ने, मान संग ने पूछ लिए औरत सुहरियाने आड़ी, लक्ष्मी चंद ने बूझ लिए मगाने और बजाने आड़ी, उस मांगे राम ने पूछ लिए मैं गंगा जी मनाने आड़ी, मांगे राम ने पूछ लिए गंगा जी मनाने। तहसील बुआनी लोहारी से काम नया, तविया में संगीताचार्य सठी राज्य राम मेरा, और मैं राजा की बेटी सू यो सुकन्या से बोले क्यों बावली बनाओ है, तेरा बाणा दिखण लाग रहा, तू ब्याही थाई और फिर कन्या शुद्ध शरीर हो ही नहीं सके। लेकिन सुकन्या अपनी जगह सही थी, क्योंकि उस टाइम तक गृहस्थ आश्रम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि चमन ऋषि ने उसके पिता से वादा करा था कि इसका हम उम्र हो जाना जब गृहस्थ आश्रम, इतना तो शुद्ध शरीर थी वा। बाबा जी कह ब्याही बिरगू खान दान में